एक दिन के थानेदार बने स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर मुरादाबाद पुलिस के अधिकारियों ने एक निजी स्कूल की छात्रा को मुरादाबाद शहर का कोतवाल बनाकर बच्चों का हौसला बढ़ाकर उन्हें ये दिखाया व समझाया कि कैसे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। एक दिन की कोतवाल बनी छात्रा लावण्या ने अपने अन्य सहपाठी छात्र छात्राओं के साथ पुलिस अधीक्षक नगर अमितानंद के साथ कोतवाली में काफी समय गुजारा। छात्र छात्राओं ने आधे दिन से ज्यादा का समय शहर कोतवाली सदर में गुजार कर पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा। पुलिस का मकसद है कि छात्र छात्राओं को यह बताएं कि पुलिस कैसे काम करती है और पुलिस की जो एक नेगेटिव छवि आम लोगों के बीच बनी हुई है उसको कैसे सुधारा जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर आज मुरादाबाद में एक निजी स्कूल के छात्र छात्राओं ने मुरादाबाद पुलिस के अधिकारियों के साथ कोतवाली सदर जाकर वहां ये जाना कि पुलिस कैसे काम करती है। पुलिस अधिकारियों ने भी एक छात्रा को शहर कोतवाल बनाकर ये बच्चों को ये एहसास कराया कि पुलिस अधिकारी बनकर कैसे काम किया जाता है। छात्रों ने भी शहर कोतवाल बनकर उसी तरीके से कोतवाली के कार्य को अंजाम दिया जैसे शहर कोतवाल अंजाम देते हैं। लावण्या है, मैं सिंहवीर अकेडमी में पढ़ती हूँ। आज 20 नवंबर है, आज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है, तो यूनिसेफ ने ये कहा है कि बच्चों को हम पुलिस इंस्टीट्यूशंस दिखाने हैं। तो हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन देखे हैं और मैं यहाँ पर SHO बनी हूँ। एज अ इंडिकेट किया गया है मुझे, तो मैंने SHO सर से बहुत सारा काम सीखा है, जैसे कि किस तरीके से सेट पर हम और सारे एरिया से कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने गार्ड भी देखा कि गार्ड किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से सलामी दी जाती है। और हमने आर्मरी भी देखा, आर्मरी में हमने बहुत सारी वो भी देखे, बहुत सारे शस्त्र भी देखे। वहाँ पर हमने एक टिया गैस गन भी देखी जिसमें हम टिया गैस भरते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा मैसिव क्रिएट हो जाता है तो हम कहीं पर बुलेट्स नहीं चला सकते, तो हम वो वाली गैस यूज़ करते हैं जिससे कि टीयर्स आते हैं हमें। साइट पे आपकी किस किस से बात हुई? साइट पे आपने सब सर से बात? हाँ, CO मैम से बात करी मैंने, और मैंने SPCCT से भी बात करी। उन्होंने मुझे सारे काम भी सिखाए और बताया कि किस तरीके से पुलिस इंस्टीट्यूशन काम करती है हमें मुरादाबाद में। तो आपकी थिंकिंग क्या है, कैसे आप क्या सोचती हैं पुलिस के बारे में? आप क्या सोचती हैं, क्या सोचती हैं पुलिस के बारे में? पुलिस के बारे में मतलब क्या सोचती हैं, आपकी थिंकिंग क्या है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, अब पॉजिटिव है, एक्चुअली पॉजिटिव है। वो हमारे लिए इतना सारा काम करते हैं, हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। आपने कंट्रोल रूम में देखा होगा, वो हर तरीके से हम पर नज़र रखते हैं। तो पुलिस एक तो बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारी इंडिया में, हमारी मुरादाबाद में, हर जगह। तो आपको कैसा लगा आप? आज जैसे यूनिसेफ ने और पुलिस ने मिलकर ही आपको सारी पर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अब आगे चल के आप क्या बनना चाहती हैं, कितने ये आपको करना है, क्या बनना चाहती हैं आगे चल के? मैं पुलिस की कोई ऑफिसर बनूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली। एक मुझे मोटिवेशन मिला है कि पुलिस में इतनी अच्छी तरीके से ऑफिसर्स काम करते हैं और उन्हें इतना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं जो ये लोग भी संभाल रहे हैं। और बहुत अच्छी तरह मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने इतने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रखी। उन्होंने मुझे सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई कि वो किस तरीके से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। थैंक यू बेटा। क्या नाम है सर? छवि कनौजिया जी। आज क्या कार्यक्रम हुआ, कौन से स्कूल से हैं और कहाँ आपको स्कूल में बताया जा रहा है? सर, मैं सेंट मीरा अकेडमी स्कूल से हूँ, काशीराम नगर से। सर, आज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है, उसके बारे में हमें बहुत अवेयर किया गया, यहाँ पुलिस स्टेशन के बारे में बहुत बताया गया, हेल्पलाइन नंबर बताई हमें बहुत। कहीं भी प्रॉब्लम है सबसे पहले हमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए और पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, एकदम 112 पर हम कॉल कर सकते हैं चिल्ड्रंस के लिए, और वुमेन के लिए हम 1090 पर कॉल करके एकदम अवेयर हो सकते हैं। और आज हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली, यहाँ की ड्रेस के बारे में बहुत बताया गया, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का। और पुलिस बनकर के आपको कैसा लगा यहाँ का जो ब्रीफ किया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्थित है, और क्या सीखा आपने यहाँ पर? तो बहुत अच्छा लगा, मैंने ये सीखा है कि आगे जाके हम भी एक टाइम पे ये बन सकते हैं और हम भी आगे जाके अपने से छोटे बच्चों को भी बताएंगे, उन्हें भी सिखाएंगे, और हम इतना अवेयर हुए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। पहले भी कभी आपको कुछ मिला? नो सर, फर्स्ट टाइम है। क्या नाम है आपका? सर, छवि
छवि कनौजिया। छात्रा ने शहर कोतवाल के कार्यालय में उनकी कुर्सी पर बैठकर कोतवाली में तैनात पुलिस कर्मियों से यह जाना कि आज क्षेत्र में क्या आपराधिक घटनाएं हुई हैं और इसके साथ ही कितने जांच के प्रकरण पेंडिंग हैं। एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी ने जानकारी दी कि हम बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि पुलिस के प्रति जो नेगेटिव छवि होती है वो पुलिस की वर्किंग देख कर दूर करें। पर आज यूनिसेफ के कार्यक्रम में पूरी दुनिया में है, तो आज मुरादाबाद में बाल दिवस पर बच्चों को कोतवाली सदर का प्रभार दिया जा रहा है, क्या क्या सिखाया जाएगा? नहीं देखिए, सिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। प्रायः एक निगेटिव इमेज रहती है पुलिस के प्रति लोगों के मन में, ये आम धारणा है। उनके बातचीत करने का तरीका ठीक नहीं होता या व्यवहार ठीक नहीं होता। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस के संपर्क में कभी नहीं आते हैं, लेकिन ये धारणा बना के अपने मन में रखे रहते हैं और उसकी वजह से जो है कानून व्यवस्था की समस्या कभी उत्पन्न होती है तो लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। पुलिस की वर्किंग क्या है, कितना टफ होता है पुलिस में काम करना, जो सिचुएशन होती है उनको हैंडल करना, इन सब के दृष्टिगत आज ये निर्णय लिया गया था कि जो है किसी एक बच्ची को एक दिन के थानेदार के रूप में किसी थाने पर तैनात किया जाएगा। और आज ये सदर कोतवाली में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे स्कूल के लोगों को भी बुलाया गया है और सारी जो प्रक्रिया होती है एक थानाध्यक्ष की जो अथॉरिटी होती है उससे परिचय कराया जाएगा और उसके तहत जो इंडिपेंडेंट निर्णय लेने होंगे उसको उसके लिए भी प्रेरित किया जाएगा, ताकि एक मैसेज सोसाइटी में विशेष तौर से बच्चों में जाए, ताकि वो आगे चल करके उनके मन में ये धारणा ना रहे कि पुलिस का निगेटिव है कार्य या निगेटिव इमेज है। बेसिकली ये जो एक पुलिस की इमेज है उसको बढ़ाने में भी सहयोग मिलेगा और साथ ही जो लोग हैं उनके अंदर भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि क्योंकि उनका व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल अनुभव होगा पुलिस की कार्यप्रणाली का, तो उनको पता चलेगा कि पुलिस कैसे कार्य करती है और किन कठिन परिस्थितियों में कार्य करती है। इससे एक पॉजिटिव थिंकिंग लोगों के अंदर जाएगी, तो इससे न केवल पुलिस का बल्कि आम जनता का भी और सोसाइटी का भी हित होगा। थैंक यू।